ये देखिए इसका क्रिस्प। आई ना वाज बिल्कुल क्रंची। ये देखकर लग रहा है कि ये बिना अंडे का ऑमलेट है। जी हाँ, ये बिल्कुल बिना अंडे का ऑमलेट है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बाजार जैसा सॉफ्ट बिना अंडे का ऑमलेट सैंडविच। जैसे मार्केट में मिलता है ना, वो ब्रेड लगाकर देता है, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। सुबह की जल्दी में सिर्फ 2 मिनट में आप अपना लंच बॉक्स तैयार करेंगे, नाश्ता तैयार करेंगे और जब भूख लगेगी इसी को बनाना चाहेंगे। इसके अंदर जो मैंने फिलिंग की है, मजा आ जाएगा खाकर। बच्चे आपसे पिज्जा पास्ता का नाम नहीं लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना अंडे का हेल्दी टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल वेज ऑमलेट सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप बेसन। सिंपल रेगुलर बेसन जो घर में आता है बस वही हमें लेना है। तो 1 कप बेसन ऐसे समझ लीजिए कि मीडियम साइज की एक कटोरी आपने बेसन ले लिया। इसमें हम डालेंगे 1/3 कप मैदा। 1/3 कप मैदा का अर्थ हो गया 5 बड़ी चम्मच। ये वाली चम्मच होती है ना, बड़े साइज वाली, मैदा भी इसमें डाल देंगे। मैदा डालना बहुत जरूरी है क्योंकि हम बिना अंडे का ऑमलेट बना रहे हैं। बिल्कुल बाजार वाले जो ऑमलेट होते हैं ना, वैसे ही इसमें टेक्सचर आएगा, लुकिंग में भी ये बिल्कुल वैसे ही लगेगी। साथ ही यहाँ पर जाएगा नमक। अब भाई बिना अंडे का ऑमलेट बना रहे हैं तो रेशियो बिल्कुल इसी प्रकार रखिएगा। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, जो केक में डालते हैं ना, लाल वाला डिब्बा आता है, बस ये वही वाला है। इस रेसिपी के लिए बेकिंग पाउडर डालना बहुत ही जरूरी है। यदि आप यहाँ पर बेकिंग पाउडर सपोज नहीं डाल रहे हैं तो फिर सेकंड ऑप्शन आता है इनो फ्रूट सॉल्ट का। फिर यहाँ पर आप 1/2 छोटी चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट डालें, लेकिन बेकिंग पाउडर से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब सभी सूखे इंग्रेडिएंट को एक बिस्कर की मदद से अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जो भी इसमें लम्स होंगे सब टूट जाएंगे। सुबह की जल्दी में या अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो कोई नाश्ता समझ में नहीं आ रहा, तो बहुत ही हेल्दी टेस्टी, इसके 2 वर्जन बताऊंगी नाश्ते के, तो जैसे भी आपको बढ़िया लगे उस हिसाब से आप बना लीजिए। मेरी गारंटी है घर के बच्चे और बड़े दोनों को बहुत पसंद आने वाला है। ये लीजिए, सभी चीजें आपस में मिलजुल गई हैं, सारे लम्स भी टूट गए हैं। इस स्टेज पर हमें इसका बनाना है एकदम पतला घोल। तो एक साथ पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। इससे लम्स नहीं बनेंगे, अगर एक साथ डाल देंगे तो क्या होगा, बहुत लम्स बन जाएंगे और उसी को तोड़ते तोड़ते समय लग जाएगा। और अच्छे से मिक्स करते जाइए। और मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है, उसको पतला कर लेंगे। और पतला करके बिल्कुल ऐसे ही फेंट लें जैसे अंडे को फेंटते हैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसा फ्री फ्लोइंग वाला लिक्विड हो जाना चाहिए। ये देख रहे हैं, मैं जब इस तरह डाल रही हूँ तो कोई नीचे रिबन नहीं बन रहा है, नीचे जाकर मिल जा रहा है। फिर से दिखाती हूँ, ये देखिए परफेक्ट। और बस इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, स्ट्रीट स्टाइल बनाएंगे ना, और इसे मिक्स कर देंगे। लीजिए, तो बैटर हो गया हमारा रेडी। इसको रखते हैं अभी अलग, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर मैंने ली है 4 ब्रेड स्लाइस। सिंपल मैंने सैंडविच वाली ली है, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, आटा ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, कोई भी ले लीजिए। और इस पर हम लगाएंगे बटर। एक साइड इस तरह बटर लगा के तैयार रखें। मैंने 4 ब्रेड इसलिए ली है क्योंकि मैं आपको ना 2 तरीके बता रही हूँ इस नाश्ते के, तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बटर लगा देंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और बढ़िया क्रिस्पी हमारी ब्रेड हो जाएगी। चलिए, तो ये ब्रेड हो गई रेडी। अब सबसे पहले देखते हैं सुपर इजी ब्रेकफास्ट सैंडविच का पहला तरीका। तो सबसे पहले गैस पर आप एक पैन या तवा चढ़ाएं, फ्लेम को रखें यहाँ पर लो मीडियम। इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल और इस तरह से किचन टॉवल या एक टिश्यू पेपर से पूरे पैन को कर लेंगे ग्रीस। और पैन के हल्का गर्म होते ही इसमें हम डालेंगे हमारा बिना अंडे की ऑमलेट वाला बैटर। याद रखिए बिल्कुल भी फ्लेम को ज्यादा तेज नहीं करना है, मीडियम लो फ्लेम पर, बिल्कुल इस तरह से, चम्मच नहीं फैलाएंगे, बस इसी तरह से डाल देंगे। और जैसे ऑमलेट को रोटेट करके फैलाते हैं ना पैन को, इस तरह से बस ऐसे ही हमें इसको फैलाना है। और जो ब्रेड स्लाइसेस हमने तैयार किए थे ना, तो जो बटर वाली साइड है वो ऊपर रखेंगे, इस पर लगाएंगे इस तरह से, दोनों ब्रेड स्लाइस लगा देंगे, ये देखिए। और इस पर डाल देंगे थोड़ा सा साइड से घी या ऑयल, जिसमें भी आप बनाना चाहें, चाहे तो बटर यूज कर लीजिए। और लो मीडियम फ्लेम पर नीचे से बढ़िया से सिकने देंगे। ब्रेड पर डाल देंगे हल्का सा नमक, तो टेस्ट एकदम बढ़िया आएगा। ये देख रहे हैं इसकी लुकिंग, एकदम स्ट्रीट स्टाइल सॉफ्ट ऑमलेट बनेगी, वो भी बिना अंडे के, पता ही नहीं चलेगा, इतना मस्त वाला इसका फ्लेवर आएगा और एक नई चीज बन जाएगी। सैंडविच तो हम बनाते ही रहते हैं, इस तरह बनाएंगे तो आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चों के, ठंडे होकर भी ये टेस्टी लगेंगे। और बस 1 से 1.5 मिनट बाद धीरे से इस तरह उठाएंगे और पलट देंगे। सुपर, आप देख सकते हैं इसकी लुकिंग क्या मस्त दिख रही है। अब बस नीचे से ब्रेड को होने देंगे क्रिस्पी और ऊपर से यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे चीज स्लाइस, साथ ही यहाँ पर अब जाएगा टोमेटो स्लाइस। इस तरह लगा दीजिए, जैसे आप लाइक करें उस तरह से इसको सजा सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी प्याज लगा रही हूँ, एक कैप्सिकम भी रख देते हैं। साथ ही यहाँ पर डाल देंगे पिज्जा वाली सीजनिंग, यानी कि इटालियन सीजनिंग, बहुत ही यमी लगेगी इस पर। आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, सिंपल मसाले भी यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा चिली फ्लेक, एकदम पेट भर जाएगा आपका एक ही से।
30 सेकंड बाद साइड्स को कीजिए इस तरह से इनसाइड। मैं अंदर वाला बना रही हूँ, आप बाहर की ओर भी कर सकते हैं, और ये वाली साइड भी अंदर कर देंगे। इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल लग रहा है कि ये चीला है, और इस तरह इसको हम सैंडविच के ऊपर पलट देंगे। सुपर, हमारा यमी यमी बिना अंडे का वेज ऑमलेट सैंडविच है बिल्कुल तैयार। क्रिस्पी, क्रंची, मजेदार, और अंदर जो टेस्ट आएगा, थोड़ी देर बस और गैस ऑफ करके बस एक मिनट इस तरह हल्के से प्रेस कर दीजिए, जो चीज स्लाइस लगाई ना वो मेल्ट हो जाएगी, मजा आ जाएगा। ये देखिए, मैं आपको घुमा कर दिखाती हूँ सब तरफ से। इस भरी गर्मी में जब किचन में खड़े होने का मन नहीं करता ना, मेरे घर के लोग तो इवन इसे डिनर में भी बनवा लेते हैं कि वही वाला बिना अंडे का वेज सैंडविच ऑमलेट बना दो। मस्ट ट्राई है फ्रेंड्स, 100% आपको बहुत पसंद आएगी, फेल प्रूफ रेसिपी। तो चलिए इसे करते हैं सर्व, और इसके बाद बताती हूँ एक और आसान तरीका नए स्टाइल में। ये देखिए इसका क्रिस्प आई ना, आवाज बिल्कुल क्रंची। चलिए फटाफट बनाते हैं नेक्स्ट। वापस से पैन चढ़ाएंगे, फ्लेम को रखेंगे या मीडियम, और इसमें हम डालेंगे एक छोटी चम्मच बटर और थोड़ा सा ऑयल। बहुत ही बढ़िया इससे टेस्ट आएगा, चाहे तो आप घी या ऑयल किसी में भी बना सकते हैं। बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर के मेल्ट होते ही सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ एक बड़ी चम्मच प्याज बारीक कटी हुई, एक बड़ा चम्मच टमाटर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार, थोड़ा सा ग्रेटेड अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया। यहीं पर इन चीजों को बढ़िया से थोड़ा सा सोते कर लेंगे, इससे ना जो टेस्ट है मतलब ऑमलेट में मजा आ जाएगा। तो बस हल्का सा सोते होते ही इस तरह से हम फैला लेंगे हमारा तैयार बिना अंडे के ऑमलेट वाला बैटर। इस तरह से अब बस दो करछी फैला दें, ज्यादा भर के नहीं, पतली बनानी है ना हमें। देखिए बिल्कुल इस तरह हल्का सा कीजिए रोटेट, करिए ना ऐसे ऑमलेट है बाजार जैसी, बड़ी सॉफ्ट बनती है ये, आप प्लेन भी खा सकते हैं इसको। मैं इसको सैंडविच की फॉर्म में बना रही हूँ क्योंकि एक खाएंगे ना पेट भर जाएगा। थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देते हैं, और फटाफट इस पर लगाते हैं हमारी बटर वाली ब्रेड। तो जिस साइड से बटर था वो रखेंगे ऊपर तरह से, और दूसरी ब्रेड लगा देंगे इधर। परफेक्ट, हल्का सा ऐसे प्रेस कर दीजिए, और इसको भी नीचे से इसी तरह से सेक लेंगे। फ्लेम को रखेंगे मीडियम लो। ये देखिए क्या मस्त दिख रही है, एकदम सिंपल इजी तरीका। ये देखिए कैसे हिल रहा है, परफेक्ट। बस हल्का सा डालेंगे ब्रेड के ऊपर नमक, और इस तरह से जब नीचे से पूरा हिलने लग गया ना, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, इसे आप धीरे से पलट दें। सुपर, बहुत ही बेहतरीन, क्या लग रहा है, एकदम मस्त, बहुत ही यम्मी बनता है, जरूर बनाइएगा। मुझे फटाफट कमेंट में बताइए कैसी लग रही है आपको ये रेसिपी, है ना एकदम आसान वाला नाश्ता। और नीचे से इसको इसी तरह से लो मीडियम फ्लेम पर सेकने देंगे। यहाँ पर हम डाल देंगे हमारी पिज्जा वाली सीजनिंग इस तरह से, चाहे तो चाट मसाला डाल दीजिए, और डालेंगे थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक, मेरे बेटे को ये वाला बहुत पसंद है, और गया इस पर प्रोसेस्ड चीज, चाहे तो मोजरेला चीज हो वो डाल दीजिए, या फिर चीज स्लाइस ही लगा दीजिए। मैं आपको दो तरीके बता रही हूँ इसलिए ऑप्शन बताया है। ये इस तरह डाल दें, प्रोसेस्ड चीज क्यूब्स होते हैं ना वही मैं डाल रही हूँ, जितना दिल चाहे उस हिसाब से। वापस से डालते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, और थोड़ा सा सजाने के लिए रेड चिली फ्लेक्स, और बस ये वाला पोर्शन इसके ऊपर, कितनी बढ़िया सिकी है, और ये वाला पोर्शन इसके ऊपर। थोड़ा टूट भी जाए तो मतलब पता चलना चाहिए ना कि ऑमलेट है, ऐसी टूटती ना ऑमलेट भी। और ये वाला स्लाइस इसके ऊपर इस तरह, सुपर, एकदम बढ़िया वाला हमारा चीजी पीजी मजेदार वेज ऑमलेट सैंडविच है बिल्कुल तैयार। गैस को करेंगे बंद, ये देखिए परफेक्ट, मजेदार, सुपर यमी। चलिए इसको भी करते हैं सर्व। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारे टू वेज बिना अंडे वाले वेज ऑमलेट सैंडविच, जिन्हें बनाना 100% बनता है फ्रेंड्स। आपने देखा, मिनटों का काम है, सुबह का नाश्ता हो या शाम की चाय के साथ, कुछ भूख लग रही हो और आपको कुछ मन कर रहा हो खाने का, या इवन डिनर में या लंच में, कभी भी बनाइए, सबको पसंद आने वाली रेसिपी है, बच्चे हो या बड़े दिल भर कर खाएंगे। मेरे घर में भी सभी बहुत पसंद करते हैं। मुझे फटाफट बताइए कि दोनों में से आपको कौन सा वाला वेज ऑमलेट सैंडविच बढ़िया लगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये झटपट बनने वाले सुपर इजी हेल्दी टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत। Perfect.